छात्रा हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रधानाचार्य जी, समस्त गुरुजन और मेरे भाई और बहनों, आज क्षेत्र में आजाद हो रहे पवन पौरा मौका पर मैं सभी को अभिनंदन कर स्वागत करूँ। मैं आज महिला सशक्तिकरण पर समाज की भूमिका पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। सर्वप्रथम आप सभी यही सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है। जी मैं बताती हूँ, महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व शामिल है जो ये सोचते हैं कि एक बेटी एक बेटे के बराबर नहीं हो सकती, एक बेटी एक बेटे के सम्मान नहीं हो सकती। मेरा उन लोगों से प्रश्न है जो ये सोचते हैं, फिर क्यों अपनी पत्नी के इलाज के लिए उन्हें एक महिला डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, फिर क्यों अपनी माँ बेटी बहन के इलाज के लिए उन्हें एक महिला डॉक्टर ढूंढना पड़ता है। क्या है आपके पास कोई जवाब? कहने को तो इस नारी शक्ति की लंबी जबान के द्वारा कोई शिकायत करता है कि कहने को तो इस नारी शक्ति की लंबी जबान के द्वारा कोई शिकायत करता है, फिर क्यों नहीं एक गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार होता है, फिर क्यों नहीं एक गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार होता है। आप सभी ने फेसबुक के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ, फेसबुक के सीईओ मिस्टर मार्क जकरबर्ग ने अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का 99% जी हाँ 99% भाग दान कर दिया। और दूसरी तरफ हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करने में अपनी घड़ी तक पहनना छोड़ देता है कि अपनी घड़ी तक पहनना छोड़ देता है। वाह रे वाह, कैसा रिवाज है हमारे देश में कि नीयत तो कुछ आदमियों की खराब होती है और घूंघट इस नारी शक्ति से निकलवाया जाता है। परंतु आजकल हर क्षेत्र में नारी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और सरकार और समाज भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ कि मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, पर पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियत दिखलाई। अरे कभी हार गए जुए में तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, अरे कभी हार गए जुए में तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है कि कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, फिर न जाने क्यों काली अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ कि मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। अरे न जाने कौन ससाया है, न जाने कैसी आहट है, फिर उन काली अंधेरी रातों में दो बाहों ने मुझे खींच लिया कि फिर उन काली अंधेरी रातों में दो बाहों ने मुझे खींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया, फिर मर्यादा की सारी सीमाओं को ताड़ ताड़ कर डाला कि फिर मर्यादा की सारी सीमाओं को ताड़ ताड़ कर डाला, फिर उन काली अंधेरी रातों में मुझे तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची कोई मदद को आगे ना आया, मदद करो चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई और जब होश में आई तो सबकी बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी कि परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया। ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा बहक से जाते हैं कि ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा बहक से जाते हैं, दुनिया वाले तुमसे ही प्रश्न पूछेंगे कि क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में, कि क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने तेरे, क्या छोटे कपड़े पहने। इन बातों की भूल भुलैया ने मुझे